subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीकली चार्ट. लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बंद हुआ है लगभग 136 पॉइंट गेन के साथ 16,068 पे. और वीकली चार्ट पे देखोगे आप तो हम लगभग 1% डाउन बंद हो चुके हैं फॉर द वीक. यहाँ जो है तो आप देख सकते हो कि हमने 100 वीक का जो एवरेज है वहाँ सपोर्ट लेने के बाद यहाँ बाउंस बैक की कोशिश जारी है. और यहाँ जो है तो हमने निचले लेवल देखे थे मगर वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग भी हमें देखने को मिली और फाइनली एक फ्लैट नेगेटिव क्लोज के साथ हम बंद हो रहे हैं वीकली चार्ट पे. यहाँ जो है तो जैसे मैंने कहा था कि हम जो है तो 16,550-650 के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं. तो ये बाउंस बैक अगले हफ्ते कंटिन्यू हो सकता है. वीकली चार्ट पे निफ्टी जो है तो ओवरसोल्ड लग रहा है तो यहाँ से बिल्कुल एक बाउंस बैक आ सकता है. और उसके बाद में देखना होगा कि ऊपर के लेवल पे कितना सस्टेन हो पाता है निफ्टी. अगर यहाँ जो है तो सस्टेन होता है तो आपको जो है तो ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है. उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है मगर उसके बाद जो है तो शायद हम एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाएं और एक जो साइडवेज मूवमेंट आपको मार्केट में आती हुई दिखेगी. यहाँ विक्स भी जो है तो कूल ऑफ हो रहा है तो हम जो है तो लो वोलेटिलिटी ट्रेडिंग सिनेरियो में एंटर कर चुके हैं और कर रहे हैं. और आगे चल के जो है तो आपको मार्केट जो है तो एक रेंज बाउंड और कम वोलेटाइल मूव देता हुआ दिखेगा. तो एक अच्छा टाइम रहेगा छोटे ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग करने का. तो वीकली चार्ट पे मुझे लगता है कि अगले हफ्ते हमें जो है तो 16,550 और 650 के टारगेट निफ्टी दिखा सकता है. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो मंथ की शुरुआत जो है तो रिकवरी के साथ की थी. हमने लगभग 16,300 तक बाउंस बैक भी देखा वहाँ से. फिर जो है तो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था 16,900 तक हमने रिट्रेसमेंट देखा और वहाँ से जो है तो 16,900 के अराउंड जो है तो सपोर्ट लेने के बाद मार्केट जो है तो फिर से बाउंस बैक कर रहे हैं. तो शॉर्ट टर्म में आपको 16,150 जो मुझे लगता है कि मंडे के दिन ही आपको देखने को मिलेगा. अगर उसके ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो 16,550 से लेकर 16,600 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं. तो 16,450 और 16,550 के टारगेट आपको अगले हफ्ते देखने को मिल सकते हैं. 16,150 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो ये रैली जो है तो एक अच्छी खासी बिल्डअप हो सकती है इस रैली में और ऊपर के 16,900 तक भी हम जा सकते हैं. उसके लिए हमें जो है तो 16,550 का लेवल पार करना पड़ेगा मगर मिनिमम जो है तो 16,550 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले हफ्ते. और यहाँ एक ही हर्डल अभी मुझे लगता है कि 16,150 का है वो भी शायद मंडे के दिन जो है तो क्रॉस हो जाएगा. तो यहाँ आपको बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखनी है फॉर शॉर्ट टर्म. नीचे जो है तो 15,800-15,900 सपोर्ट है वहाँ अगर मार्केट मिलता है तो बाय कीजिए विद अ स्टिक स्टॉप लॉस. टारगेट रहेंगे 16,150-16,550. ऑप्शन ट्रेडर जो है तो मेरी सलाह से आपको जो है तो इन द मनी जो कॉल ऑप्शन है 16,900 का कॉल ऑप्शन उस पर फोकस करना है. उस पर जो है तो डिप्स पे एक्युमुलेशन करना है और आपको जो है तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है अराउंड 16,150 उसके बाद में 16,450 और लास्ट में जो है तो 16,550 के अराउंड आपको प्रॉफिट बुक करना है. उस ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको एक पॉइंट के बाद फ्यूचर के जैसे प्रॉफिट दिखने लगेंगे. और यहाँ जो है तो आपको डेल्टा का जो एडवांटेज है वो लेते आएगा क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसका डेल्टा बढ़ेगा. जैसे ही ये बढ़ेगा आपका प्रॉफिट भी उसके साथ बढ़ेगा. आपको जो है तो यहाँ लक्ष्मण रेखा है 15,900 और 15,800 का जोन. अगर उसके नीचे हम ट्रेड करते हैं तो आपको जो है तो अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है मार्केट में जिसमें जो है तो फिर से नीचे जो टारगेट है उस सिनेरियो में वो बनते हैं 15,350 के. तो उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है क्योंकि वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे जो है तो मार्केट जो है तो एग्जॉस्टेड लग रहा है और यहाँ से जो है तो एक बाउंस बैक की तैयारी मार्केट कर सकता है. ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं तो यहाँ जो है तो मार्केट बाउंस बैक करने के बाद आपको जो है तो एक कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिखेगा. अगर हम 16,550 को अच्छी तरह से क्रॉस कर देंगे तो प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम तो आपको जो है तो ट्रेंड चेंज भी देखने को मिल सकता है. उसकी पॉसिबिलिटी लो है मगर वो भी एक पॉसिबिलिटी आपको ध्यान में रखनी चाहिए. अगर हम 16,550 का लेवल विथ प्राइस एक्शन और स्ट्रांग वॉल्यूम पे क्रॉस करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है तो फिर से कंटिन्यू होता दिखेगा. जो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है वो यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है. उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 10-15% है मगर वो भी
पॉसिबल है। सो आई होप सो कि आपको ये जो है तो वीडियो हेल्पफुल रहे आपके अगले आने वाले वीक में ट्रेडिंग के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो ऑन श्योर शॉर्ट कॉल्स तो मेरे प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।